सर्दियों की दूसरी बर्फबारी ने कांगड़ा घाटी के मैक्लोडगंज से बीड़ तक निचले क्षेत्रों में भी सफेद चांदी ओढ़ ली है। रविवार को अवकाश के चलते पर्यटक स्थलों जहां पर स्नोफॉल हुआ वहां लाइव स्नोफॉल देख पर्यटक खासे रोमांचित हुए। इसी बीच हिमाचल के युवा लोक गायक बर्फ के फाहों के बीच हिमाचली गीतों को गुनगुनाते हुए नजर आए जिन्होंने और समा बांध दिया। शनिवार शाम को मौसम खराब होने के साथ ही पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी हो गया था जो कि रविवार को यथावत जारी रहा। धर्मशाला की बात करें तो मैक्लोडगंज में बर्फबारी हुई वहीं नड्डी और डल लेक में भी खासा स्नोफॉल हुआ है। नड्डी में जहां 6 इंच के लगभग स्नोफॉल का आकलन है वहीं डल लेक सहित आसपास के क्षेत्रों में भी खासी बर्फबारी हुई है। धर्मशाला के भागसुराग धर्मकोट के साथ साथ खड़ौता थाथरी रेंज नीलघार बनगोटू में भी अच्छा हिमपात हुआ है। नड्डी व डल लेक में बर्फबारी के दौरान वाहनों को टेंगल बोर्ड रोड से ऊपर जाने से रोक दिया गया जिस पर कई पर्यटकों को पैदल ही डल लेक की ओर रुख करना पड़ा। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सौजन्या है। कहाँ से आए हैं? हम साउथ से हैं, बैंगलोर से। यहाँ स्नोफॉल हो रही है धर्मशाला मैक्लोडगंज में, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। वी आर वेरी एक्साइटेड। अभी कहाँ कहाँ घूमे हो रहा? अभी यहाँ पहली मतलब नड्डी आए हैं। कहाँ जाने का प्लान है? अभी मैक्लोडगंज जाएंगे। स्नोफॉल हो रही है, अभी खेल आपने एंजॉय भी किया? बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे तो, लाइक वाओ। और कौन आया? मेरा फैमिली, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम अरुण है। कहाँ से आए हैं सर? सर मैं जम्मू से आया हूँ। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ आके? आज मैं मॉर्निंग में ही पहुँचा हूँ यहाँ पे, मैं अकेला ही आया हूँ मतलब धर्मशाला, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली, किस्मत थी हमारी बर्फ़ देखने की तो मिल गई हमें, बाकी डेज में तो बर्फ़ यहाँ पे थी नहीं, बट आज फर्स्ट मेरे को लगता है कि फर्स्ट या सेकंड स्नोफॉल है, सो हमें अच्छा लगा यहाँ पर आके। और कौन कौन है सर आपके साथ? सर मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और उनकी वाइफ हैं, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अभी और भी कहीं जाएंगे सर? सर अभी होप्स हो कि हम मैक्लो जाएँ, अभी नड्डी में हैं, सो मैक्लोडगंज धर्मशाला हम जाएँगे, तो वहाँ पर भी हमें अच्छा मौसम ऐसा ही मिलेगा, हम इसी की उम्मीद कर रहे हैं और लेट्स सी क्या होता है। देखिए दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार के साथ अनु शर्मा की रिपोर्ट।